अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मदीहा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ खीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिए हैं 15 से 20 बादाम, 20 से 25 पिस्ते, थोड़े से चारुली ली है और एक छोटे बॉल के करीब मैंने शक्कर ली है। एक बर्तन में मैंने दूध गर्म होने रखा है, ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध है। बर्तन में पहले मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड किया है, फिर इसमें दूध ऐड किया है। ऐसा करने से हमारा दूध बर्तन में नीचे लगेगा नहीं। आपका दूध जितना गाढ़ा होगा खीर उतनी ही अच्छी बनेगी। आधे कप के करीब मैंने चावल लिया है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसे पीस लूंगी। चावल को हमें पूरा फाइन नहीं पीसना है, इसे हल्का मोटा ही रखेंगे। 3 हरी इलायची को मैंने मोटा सा कूट लिया है। 5 से 7 मैंने जाफरान के स्टेंट्स लिए हैं, जिसे मैंने पानी में सोक किया है। दूध में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल को हमने पीस लिया है, इसे हम अब दूध में ऐड करेंगे। चावल हमने ज्यादा बारीक नहीं पीसा है, इसे हल्का मोटा ही रखा है। चावल डालने के बाद हमें दूध को कंटिन्यू चलाते रहना है। हम इसमें ड्राई फ्रूट को भी ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट हमने बारीक कट कर लिया है। हमने जितना ड्राई फ्रूट लिया था उसका आधा ड्राई फ्रूट हम अभी दूध में ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट को अभी ऐड करने से इसका एक अच्छा सा फ्लेवर हमारी खीर में आएगा। इसी के साथ हम इलायची और जाफरान भी ऐड करेंगे। दूध को हमें 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। खीर हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। अब हम खीर को शक्कर घुलने तक पका लेंगे। स्लो फ्लेम पर हम खीर को पकाएंगे। खीर हमारी बनकर तैयार है, अब हम इसे एक बॉल में सर्व कर लेंगे। खीर को हमने बॉल में निकाल लिया है और इसे हमने बचे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।